आज हम बनाएंगे होली के लिए बहुत ही खस्ता शक्कर पारा, वो भी बिना शक्कर और मैदा के। तो चलिए इसे बनाते हैं। शक्कर पारे बनाने के लिए यहाँ मेरे पास है 100 ग्राम रवा के साथ 250 ग्राम के करीब आटा, और है यहाँ मेरे पास 150 ग्राम गुड़ के साथ 3 से 4 चम्मच के करीब देसी घी। तो सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी, और इसके जस्ट बाद हम इसमें मिलाएंगे गुड़ को। तो हम इसे कुक कर लेंगे इसके डिसॉल्व होने तक। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। ये देखें आप, गुड़ डिसॉल्व हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ एक थाली में लेंगे आटा, और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे रवा को, और इन दोनों को हम ठीक से मिक्स कर लेंगे। रवा का हम यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि शक्कर पारे में इससे एक अच्छा क्रंच आता है, तो आप रवा का जरूर यूज करें। इन सब के बाद हम इसमें मिलाएंगे घी को। आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें इसको भी ठीक से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए आप, घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे गुड़ का जो पानी हमने बनाया था, और गुड़ के पानी को मिलाते हुए हम इसका एक हार्ड सख्त आटा लगा लेंगे। ये देखो आप, अपना आटा लग चुका है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे। तो आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। और इसके बाद हम इसको बेल लेंगे थोड़ा थिक चपाती टाइप में। इसे बेलने के बाद इसके साइड्स को काट कर हम निकाल कर अलग कर लेंगे, और इसके बाद इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप इसे स्क्वायर शेप, डायमंड शेप, जिस भी शेप में काटना चाहते हैं काट सकते हैं। तो यहाँ हमें ऑयल को मीडियम से थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है, और शक्कर पारे को ऑयल में मिलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। यहाँ हमें शक्कर पारे को हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर कुक करने से ये कुक तो हो जाएगा पर ये अंदर से पकेगा नहीं, इसलिए आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें। तो ये देखो आप, तैयार है अपना बिना मैदा के बहुत ही खस्ता शक्कर पारा। बनाएं इसे और इंजॉय करें। और हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।